गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस टाइम वी आर डूइंग अ सरोजिनी नगर हॉल वीडियो। सबसे पहले तो कि सरोजिनी नगर इस टाइम खुला है कि नहीं खुला है, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। तो यस, सरोजिनी नगर इज ओपन इन जनवरी 2022। मैं अभी लास्ट वीक ही गई थी, विच वॉज ऑन आई थिंक 19th January। सो आई डोंट नो अबाउट द मेट्रो, क्योंकि मैंने गाइडलाइंस में पढ़ा था तो आपको एंटर करते टाइम आई थिंक कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा, बट बिकॉज मैं ऑटो से गई थी एंड ऑटो ने डायरेक्टली मुझे सरोजिनी नगर मार्केट के ही पास छोड़ा था, तो कोई कोविड टेस्ट हमें तो नहीं कराना पड़ा। बट देयर आर ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्शंस। जो सबसे बड़े चेंजेस हैं वो ये कि जो भी सड़क पे पटरियों पे पहले लगता था ना दैट पाइल थिंग जिसमें से आप कपड़े चूज करते थे, वो पूरे सड़क एकदम खाली हो गए हैं। सो सड़क पे बेसिकली कोई पटरी है ही नहीं। जो भी स्टॉल्स होते थे दैट 50 के पाई, 80 या 100 रुपीस वाले पाई, वो सारे के सारे शॉप्स के अंदर हैं। ऑल्सो सरोजनी में इस टाइम भीड़ कम है। सरोजनी में ऑलरेडी बहुत सस्ते कपड़े मिलते हैं एंड अभी के टाइम में तो बहुत ज़्यादा सस्ता है। मतलब मैंने 80 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़ में, मोस्टली स्टॉल्स वर 100 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ में इफ यू हैव टाइम तो काफ़ी अच्छे अच्छे आप चीज़ें निकाल सकते हो। बट द थिंग इज दैट देर आर रिस्ट्रिक्शंस व्हेन यू एंटर इन एनी शॉप। 3 से 4 लोग ही जा सकते हैं एक बार में, उससे ज़्यादा को वो लोग अलाउ नहीं करते, तो आपको शॉप के बाहर भी वेट करना पड़ सकता है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि सरोजनी में इस टाइम सारी शॉप्स नहीं खुल रही हैं, ऑड इवन बेसिस पे खुल रहे हैं। मतलब जिस दिन ऑड नंबर की डेट है तो उस दिन ऑड नंबर वाली शॉप्स खुल रही हैं, और जिस दिन इवन नंबर की शॉप है तो उस दिन इवन नंबर वाली शॉप खुल रही है। सो नहीं करते करते भी मैं विंटर का थोड़ा बहुत सामान ले आई, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको जगह मिल रही थी वॉक करने के लिए, जो कि सरोजनी में मोस्टली इतनी भीड़ होती है कि धक्का मुक्की करना पड़ता है, तो वो सब नहीं करना पड़ रहा था एंड बहुत ही आराम से शॉपिंग करने को मिल रहा था। लेकिन आपको किसी भी टाइम पे आप अपना मास्क नीचे नहीं कर सकते, बिकॉज पुलिस वहाँ पे अच्छे से मॉनिटर कर रहे हैं एंड अगर आप मास्क नीचे रखेंगे थोड़े भी टाइम के लिए तो आपका चलान कट सकता है। सो दीज आर ऑल द थिंग्स एंड नाउ वी विल स्टार्ट विद द हॉल वीडियो एंड आई विल स्टार्ट विद द स्वेटर दैट आई एम वेयरिंग। दिस इज अ पिंक कलर स्वेटर विच आई एम वेयरिंग एंड इट्स अ लॉन्ग स्लीव एंड अ वी नेक स्वेटर एंड दिस स्वेटर आई बॉट फॉर 100 रुपीज एंड इट्स अ बेबी पिंक कलर स्वेटर। इसकी क्वालिटी इज रियली गुड, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुक दे रहा है ये। दिस इज नॉट वेरी थिक, इट्स अ वेरी थिन टाइप ऑफ स्वेटर, बट जीन्स के साथ में ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है, बहुत ही सूदिंग कलर है, प्लस देयर वॉज नो डिफेक्ट इन इट। सो 100 रुपीज़ के लिए दिस स्वेटर वॉज अ परफेक्ट थिंग। ऑल्सो दिस इज परफेक्टली माई साइज। सरोजनी में आपको अपना साइज पता होना बहुत ज़रूरी है, और सरोजनी में आपको सिर्फ गेस्ट वर्क चलता है, वहाँ पर आप ट्रायल तो कर नहीं सकते। सो दिस इज वॉट आई गॉट फॉर 100 रुपीज़। नाउ द सेकेंड थिंग दैट आई बॉट इज दिस शॉल काइंड ऑफ अ रैप थिंग फॉर टी शर्ट्स। कहीं से ओपन नहीं है, आई डोंट रियली नो वॉट इट इज कॉल्ड, बट ये देखने में बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा था। सो आई थॉट कि मैं इसे किसी टी शर्ट के या पतली सी स्वेटर के ऊपर स्टाइल करूंगी, सो आई बॉट दिस। नाउ इसका जो प्राइस वो भैया कोट कर थे दैट वॉज 250 रुपीज़। उस शॉप में 100 रुपीज़ वाले भी टॉप्स थे एंड 250 रुपीज़ के भी कुछ टॉप्स थे, बट एंड आई थॉट कि ये 100 रुपीज़ का है, सो आई वॉज टेकिंग इट, बट देन ही सेड कि ये 250 का है। आई डोंट रिमेंबर 250 या 350। आई थॉट कि और कोई ऑप्शन देख लेंगे, बिकॉज सरोजनी में बहुत सारे सेम टाइप के ऑप्शन मिल जाते हैं एंड आई वॉज गोइंग, तो पीछे से उन्होंने बुला के बोला कि ले जाओ, मतलब ये उन्होंने मुझे 150 में दिया। सो दिस इज लुकिंग रियली स्टाइलिश ऑन दिस टॉप। सो मैंने पिंक कलर की स्वेटर पहनी थी पतली वाली, उसी के ऊपर मैंने ये डाल लिया है एंड दिस इज रियली लुकिंग स्मार्ट। साथ में मैंने सिंपल एक जीन्स पहनी हुई है और कुछ नहीं, एंड पूरे शॉल के साइड में ये टेसल टाइप चीज़ लगी हुई है विच इज़ रियली ब्यूटीफुल एंड बहुत ही अच्छा लुक दे रही है इसको ये। नाउ द नेक्स्ट परचेज इज दिस ब्राउन जैकेट। ये जैकेट मैंने मतलब मार्केट में एंटर करते ही जो सबसे पहले चीज़ खरीदी थी दैट वॉज दिस जैकेट। ये एक 100 रुपीज़ के वो जो सर्कुलर स्टॉल्स होते हैं उसमें लगी हुई थी एंड आई रियली लाइक्ड इट। एक ही नज़र में आई बॉट दिस, बिकॉज मेरे पास आज तक ऐसे कलर का कुछ है ही नहीं, ना कोई टी शर्ट है, ना कोई जैकेट है, नथिंग ऑफ दिस कलर। मैं जनरली ये ब्राउन टाइप का कलर नहीं पहनती हूँ, बट आई रियली लव दिस जैकेट एंड फॉर 100 रुपीज़ द क्वालिटी वॉज रियली गुड एंड दिस हैड अ रियली
थिक फैब्रिक, पूरा एक मोटा स्वेटर टाइप लग रहा है। सो आजकल का जो मौसम चल रहा है उसकी सर्दी के लिए परफेक्टली फिट है। दिस हैज अ चेन इन द फ्रंट एंड ऑल्सो इट्स गॉट पॉकेट्स। उसके अलावा इसका जो आगे का मटेरियल है ये एक थोड़ा सा वेलवेट टाइप का मटेरियल दिया हुआ है एंड पीछे एक स्वेटर टाइप थिंग दिया हुआ है। सो दिस फिट्स सो परफेक्टली एंड अभी मैंने इसका जिप नहीं बंद करा हुआ, खोल के रखा है, तब भी ये बहुत स्मार्ट लग रहा है। दिस वॉज ओनली 4 rupees 100 एंड ये परफेक्टली मतलब पूरा यहाँ तक फुल स्लीव्स है एंड अच्छा खासा थिक स्वेटर है एंड दिस इज हाउ इट लुक्स जिप लगा के। दोनों ही लुक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, जिप खोल के भी उतना ही अच्छा लग रहा है एंड जिप बंद करके भी इक्वली अच्छा लग रहा है। Now the next thing that I bought is this grey color ka cardigan and this was also for ₹100. This is also like quite warm. इसके साइड में दो पॉकेट्स हैं, दे हैव गिवन दीज बटन्स हेयर। मैंने इसको पूरा बंद नहीं किया, अदरवाइज इट विल लुक समथिंग लाइक दिस एंड दिस इज ऑल्सो लुकिंग रियली क्यूट। एंड दिस लुक्स लाइक अ परफेक्ट ऑफिस वेयर, फॉर्मल्स के साथ में काफी अच्छा जाएगा। नाउ माई नेक्स्ट परचेज इज दीज फुटवेयर एंड मैंने सरोजनी से ज्यादा फुटवेयर नहीं लिए, सिर्फ दो ही फुटवेयर लिए थे, एक तो ये है एंड देयर इज अनदर पेयर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। ये मैं मिंत्रा पे काफी टाइम से देख रही थी इस टाइप का कुछ, लेकिन मैंने ऑर्डर नहीं किया था एंड आई वेंट देयर एंड आई सॉ दीज तो मुझे काफी पसंद आया एंड आई बॉट दीज। इन क्वालिटी का आई एम नॉट रियली श्योर बिकॉज आई हैवंट वोन देम येट and this was for ₹250 and there were a lot of colors. इसके अंदर एक ये कलर था, एक डार्क ब्राउन कलर था, then there was black, dark green I guess. मुझे ये कलर इसलिए पसंद आया because मेरे पास ऐसा कोई कलर था नहीं, तो I bought these. Now the next thing that I bought is this black skirt. मैंने बहुत पहले like काफी साल पहले एक long skirt ली थी जिसे मैंने उतना पहना नहीं था एंड मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि स्कर्ट मुझे सूट नहीं करती। सो दिस टाइम आई वांटेड टू गिव इट वन मोर ट्राई एंड आई बॉट दिस विंटर स्कर्ट। विंटर स्कर्ट इसलिए बोल रही हूँ कि इसका जो मटेरियल है ना दैट इज थोड़ा सा थिक एंड आई वांटेड टू गिव स्कर्ट्स वन मोर ट्राई बिकॉज देखने में स्कर्ट्स बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगती है। तो आई बॉट दिस स्कर्ट, दिस वॉज फॉर रुपीज आई थिंक 250। Yes, this was, I don't remember, 250 or 200 and इसमें और भी कलर्स थे, they had white, grey and black, और भी I think कलर्स थे बट मैंने ब्लैक लिया because I wanted to play safe with it because I'm gonna wear skirt after so long and usually क्या होता है, so whenever I go out I usually wear a jeans or a dress, so I also wanted to give this a try and let me show you how this looks. So this is how the skirt looks with this top. ये मेरे tummy पे थोड़ा सा ज़्यादा tight लग रही है क्योंकि I am on a heavier side. However, I bought one more overcoat which was for ₹80 only and वो one of the best purchases था इस पूरे haul का, but that's with my sister, so I will share a clip of it. इट वॉज अ ग्रे कलर कोट, बहुत ही सुंदर लग रहा था एंड बहुत ही अच्छा प्रीमियम फील दे रहा था, कहीं से भी वो 80 rupees का नहीं लग रहा था बट मेरी नज़र उस पर पड़ी एंड वो मुझे बहुत पसंद आया, सो वी परचेज्ड इट एंड दिस वॉज द होल विंटर शॉपिंग नाउ बिकॉज मेरे को थोड़ा बहुत समर का भी सामान लेना था, तो आई बॉट टू और थ्री थिंग्स फॉर द समर। सो द फर्स्ट थिंग आई बॉट इज दीज फ्लिप फ्लॉप्स, आई एम प्लानिंग अ हॉलीडे एंड आई बॉट दीज फॉर इट, दिस वॉज फॉर ₹200 एंड वहाँ पे स्टॉल में काफी क्यूट क्यूट लगे हुए थे तो मैंने ये वाला लिया विद दीज क्यूट ये बोज। दीज आर माय न्यू फ्लिप फ्लॉप्स। इसके अलावा आई बॉट टू और थ्री थिंग्स, आई बॉट अ बैंड्यू टॉप फॉर ₹100 आई गेस एंड मैंने वहाँ से एसेंस से इससे पहले कुछ ऐसा इनरवेयर टाइप नहीं लिया है, सो दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई बॉट। तो लेट्स सी किसी ड्रेस के साथ पहन के पता चलेगा हाउ इट लुक्स। एंड टॉकिंग अबाउट द ड्रेस, द फर्स्ट ड्रेस दैट आई बॉट इज दिस थिंग। इसका एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है दैट इट हैज़ अ थोड़ा सा डिफेक्ट विच आई डिड नॉट सी सरोजनी में, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि वहाँ पर तो उस टाइम मैंने देखा नहीं, वहाँ पर खुशी खुशी में मैंने ले लिया एंड नाउ मुझे दिखाई दिया कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। एनी वे आई एम गोना ट्राई इट, सो दिस इज व्हाट आई गॉट एंड दिस इज़ अ ईजी ब्रीजी ड्रेस। फिट इसका अच्छा है, सिर्फ वो एक जो स्टेन है दैट इज़ अ प्रॉब्लम, दैट्स ऑल। एंड विद दीज वी ऑल्सो बॉट these headbands, we have bought
फोर हेडबैंड्स, अभी एक पता नहीं मुझे मिल नहीं रहा है, फोर हेडबैंड्स ये मैंने जब मैं लास्ट टाइम गई थी तो दिस वॉज फॉर रुपीज 50 each, 50 or 40 आई थिंक, एंड दिस टाइम दिस वॉज ओनली फॉर रुपीज 10. सो दिस इज हाउ द बैंड लुक्स, एंड मैंने बहुत ही बुरे तरीके से पहना है बट कोई बात नहीं, इस तरीके का लगेगा कुछ ये बैंड इस ड्रेस के साथ में. इसके साथ में वी हैव टू मोर ऑप्शंस, एक ये फ्लोरल है एंड एक ये बैंड है. एंड इसके अलावा आई बॉट वन मोर ड्रेस विच इज दिस जंप सूट, आई थिंक इसको प्ले सूट बोलते हैं, शॉर्ट जंप सूट, बट ये मुझे उतना अच्छे से फिट नहीं हो रहा है. दिस वॉज ऑल्सो फॉर रुपीज 250. सो दिस इज द लास्ट पीस फ्रॉम द हॉल, इट्स अ शॉर्ट जंप सूट, अ प्ले सूट. बस ये है कि ये यहाँ से थोड़ा सा टाइट फिटिंग है, फिटिंग टाइट नहीं है एक्चुअली, यहाँ से मेरे टमी अलग से इसमें नजर आ रहा है, अदरवाइज इट्स रियली क्यूट. आई हैव वन मोर लाइक दिस विच वॉज फ्रॉम H&M, दैट वॉज फॉर रुपीज 2000 आई गेस. इट्स एन ऑरेंज कलर थिंग, बहुत ही फंकी सा है, सो हॉलीडेज के लिए एकदम परफेक्ट है ये. सो दिस इज द एंड ऑफ सरोजनी हॉल, एंड इफ यू लाइक इट देन गिव दिस वीडियो थम्स अप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव नॉट टिल नाउ, एंड आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन बाय बाय.